एक लड़का था। उसकी माँ ने उसका विवाह करा दिया, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती, तब वह कहती, बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू को कह गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना, रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती है ही है, यह भी कहना सीख गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई, रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है। वह बोली कि यह तो अपनी माँ से पूछो, आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, तू भी इसे गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया। वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई, रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वह बोला सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है, बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है, गर्म ताजी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और अपनी माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गर्म रोटी खाऊंगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया है कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उनका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य, कोष, पुर और नारी, ये चार चीजें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो, यह ताकत ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों अब यह आपके ऊपर है कि आप इस कहानी को किस प्रकार से अपने जीवन में ढालते हैं। धन्यवाद।